ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया कि एक तो एक्वाटिक फ्रेश वाटर, मराइन फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, स्केलेटल कैल्शियम का बना होता है, ये सिर्फ मराइन होते हैं, और स्केलेटन सिलिका का बना होता है, ठीक है। दिस कैपा पार्टिकल्स प्रेजेंट, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज के थ्रू हार्मफुल टॉक्सिन पैरामिसिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसको सेंसिटिव बना देता है ये। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में पढ़ा था, आज इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लोकोमोटिव ऑर्गन के बेसिस पे फाइलम प्रोटोजोआ को चार मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एज यू कैन सी हियर, सबसे पहला जो ग्रुप आता है दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जिनमें फ्लैजिला लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होती है, सिलिएटेड प्रोटोजोन जहां पे सिलिया, और स्पोरोजोन्स यहां पे कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। तो अमीबॉइड में सूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला, एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, तो वो हो जाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो एक एक करके इन सारे ग्रुप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप जो बच्चों आता है दैट इज फ्लैजिलेटा और मास्टिगोफोरा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आता है, दीज आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो एक्वेटिक फ्री लिविंग या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, जो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। पूरी की पूरी बॉडी एज यू कैन सी हियर इज कवर्ड बाय अ डेलिकेट पेलिकल, जो कि अमीबा में भी आपको देखने को मिलता है, एंड बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिपोर्टेड, तो दोनों तरह का यहां पे रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों जो मेनली टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें आपका आ जाएगा बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, इसलिए कुछ लोग इसको एब्सेंट भी मानते हैं। इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका आता है प्रोटो या प्रोटीरो स्पोंजिया। प्रोटीरो स्पोंजिया इज ए कनेक्टिंग लिंक या बिटवीन प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्टा, नहीं पोरीफेरा सॉरी, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। लेशमैनिया डोनोवेनी, आपने नाम सुने होंगे, लेशमैनिया डोनोवेनी इज ए डाइमॉर्फिक एंड डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म, डाइमॉर्फिक एंड डाइजेनिक, एक से ज्यादा फॉर्म में मिलता है, एक से ज्यादा होस्ट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाइमॉर्फिक, और एक से ज्यादा होस्ट होता है तो डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये डिजीज कॉज करता है जिसको हम काला आजार कहते हैं। डिजीज सारी की सारी बेटा सेपरेटली एक अलग से टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस अगला एग्जाम्पल है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है। जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है दैट इज नोन एज सिलिएट्स या सिलिएटा। सिलिएटा को डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप की हम बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है कि उसमें दो फॉर्म्स हैं, इसलिए उसकी बात हम पहले कर लेते हैं, दैट इज राइजोपोडा। नेक्स्ट ग्रुप इज राइजोपोडा या सार्कोडीना, इसको राइजोपोडा भी कहा जाता है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर आर सूडोपोडिया, इनको हम और क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। सूडोपोडिया और फॉल्स फीट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन, ये भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म है।
एक्वेटिक है, डिजीज कॉजिंग है, बॉडी विद और विदाउट शेल, आउटर कवरिंग हो सकती है या कवरिंग एब्सेंट भी हो सकती है, एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इज प्रोमिनेंट, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ जनरल फीचर्स की बात करी हमने, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप सबको पता है अमीबा। अमीबा में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। अब जो ये सूडोपोडिया है ना बेटा, ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया। लोबोपोडिया, फ्लियोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब लोबोपोडिया क्या होता है? ब्रॉड होगा, ब्लंट होगा। फ्लियोपोडिया सेकेंड वन, इंडिपेंडेंट होता है, सिलेंडर होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में। अच्छा, फोर्थ वन इज एक्सोपोडिया, वो मैं लिखना भूल गया था, एक्सोपोडिया भी होता है। थर्ड वन इज एक्सोपोडिया, यहां पे एक्सियल सपोर्ट हो सकती है, एक्सियल फिलामेंट के फॉर्म में एक्सियल सपोर्ट प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सोपोडिया में, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे नो एक्सियल सपोर्ट और एक्सोपोडिया में यहां पे एक्सियल सपोर्ट होगी, क्योंकि इसको तो इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, तो इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे एक्सियल सपोर्ट इज प्रेजेंट। एंड लास्ट वन इज रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलेट, इस तरह से ब्रांच टाइप का होता है, दैट इज नोन एज रेटिकुलोपोडिया। एग्जाम्पल्स में मैंने एक ऑलरेडी आपको बता दिया, अमीबा होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, दो मेजर ग्रुप्स इसमें देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप होता है बच्चों, इसको कहते हैं रेडियोलेरियंस, और दूसरा ग्रुप होता है फोरमैनिफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप कहोगे कि सर क्या बाकी टॉपिक पे ध्यान नहीं देना था? बेटा ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको मोस्टली बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। रेडियोलेरियंस, मराइन फ्रीली फ्री फ्लोटिंग, रेडियोलेरियंस मराइन है, फ्री फ्लोटिंग है। फॉर्मिनिफेरेंस आर बॉटम ड्वेलर्स, एक्वेटिक सिस्टम्स में नीचे मिलते हैं, तो ये बॉटम ड्वेलर्स हो गए। ये दोनों हो सकते हैं, ये मराइन भी हो सकते हैं और ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, जबकि रेडियोलेरियंस मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहां पे जो स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है, वो बना होता है सिलिका का, जबकि फॉर्मेनिफेरेंस में स्केलेटन इज फाउंड ऑफ कैल्शियम कैल्शियम। ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया कि एक तो ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर, मराइन फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, स्केलेटल कैल्शियम का बना होता है, ये सिर्फ मराइन होते हैं, और स्केलेटन सिलिका का बना होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियाई है, वैक्यूल है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिजर्व फूड है, वो सारा का सारा जो कैप्सूल के अंदर का पार्ट है, जिसको इंट्रा कैप्सुलर, देखो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये इंट्रा कैप्सुलर पार्ट कहलाता है, और बाहर की तरफ ऐसे एरो लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये जो इंटरनल पार्ट है, इंट्रा कैप्सुलर पार्ट, इसी इंट्रा कैप्सुलर पार्ट में न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है, यहीं पे छोटा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, यहीं पे रिजर्व फूड भी होता है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इंट्रा, बताओ, इंट्रा कैप्सुलर पार्ट में, इंट्रा
कैप्सुलर पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होंगे। बाइनरी फिजन और स्वार्म सेल्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है, बाइनरी फिजन एंड फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स। हमने साइमोल्ड्स में देखा था स्वार्म सेल्स के स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कोलोजोम। अब दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। दूसरे ग्रुप में कहां क्या क्या आ जाता है? दूसरे ग्रुप में आता है रेटिकुलोपोडिया मेनली प्रेजेंट होते हैं। चलो यहां पे भी बता देते हैं, यहां पे एक्सोपोडिया होंगे, यहां पे एक्सोपोडिया देखने को मिलते हैं, यहां पे रेटिकुलोपोडिया देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और सिनगैमी के थ्रू हो सकता है। तो दोनों टाइप के फिजन, बाइनरी और मल्टीपल फिजन एंड सिनगैमी, मतलब जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा ग्लोबिजेरिना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है ना, जो इनको स्पेशल बनाती है, वो क्या होती है कि जो कैलकेरियस या कैल्सेरियस जो आप कहते हैं शेल होता है, ये कैल्शियम का तो बना होता है फॉर्मेनिफेरेंस में, फॉर्मेनिफेरेंस में। और क्योंकि वो बॉटम ड्वेलर्स हैं, वहां पे रहते हैं जो एक्वेटिक सिस्टम के बॉटम में रहते हैं, तो ये इस हार्ड कैल्शियम शेल की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह से लेयर्स बना देते हैं, एंड दैट लेयर इज नोन एज फॉर्मेनिफेरल ऊज। ठीक है, फॉर्मेनिफेरल ऊज कहते हैं। और टाइम के साथ साथ ये लाइमस्टोन रॉक्स में चेंज हो जाती है, या हम कह सकते हैं लाइमस्टोन रॉक की फॉर्मेशन फॉर्मेनिफेरल से होती है। और लाइमस्टोन को हम बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं ना। जो इजिप्टियन पिरामिड्स है ना, वो लाइमस्टोन के ही बने हुए। देखो आप कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। इसके अलावा एक छोटा सा ग्रुप और होता है जिसको कहते हैं हेलियोजोम्स। हेलियोजोम्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे इनके। पहले इनको सन एनेमिक्यूल्स कहा जाता था। यहां पे भी एक्सोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, रेडिएट करते हैं वो इस तरह से, रेडिएशन जैसे निकलती है। यहां पे स्केलेटन सिलिका का बना होगा, इसलिए उनको सन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इस तरह से रेडिएशन निकलते हैं, बीच में सेंट्रल पार्ट है, लेकिन एक्टिनोफायरस ये शेल लेस हेलियोजोन होता है। तो ये एक ब्रॉडर लाइन क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसकी सार्कोडिन्स की, राइजोपोडा की। अब जो नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज स्पोरोजोआ। नहीं, शैल से इसको भी हम बात लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलिएट्स की। सिलिएटा नाम, जैसा काम जैसा नाम वैसा काम। सिलिया आर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है ना। सिलिया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, सिलिएट। लोकोमोशन और यहां पे फूड के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी सिलिया को ही यूज करते हैं। एक कैरेक्टर सब में कॉमन है, एक्वेटिक है, फ्री लिविंग है एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बॉडी वही पेलिकल से कवर्ड है, बॉडी कवरिंग इज पेलिकल। अब यहां पे न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म देखने को मिलता है। न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म क्या होता है? न्यूक्लियर डायमोर्फिज्म का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम में अगर हम बात करें तो एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, सोमेटिक फंक्शंस करता है, बाकी मेंटेनेंस ग्रोथ डेवलपमेंट उसके काम आता है। तो इसका मतलब यहां पे दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही बाइनरी फ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। अब आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन से टाइप का बाइनरी फ्यूजन पैरामीशन में देखने को मिलता है, मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ये भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। दो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिसको स्लीपर एनेमिक्यूल कहा जाता है, ठीक है, या स्लीपर ऑर्गेनिज्म जिसको कहा जाता है। ये फ्री लिविंग सिलिएट है जो फ्रेश वाटर में आप हमारे आसपास के पॉन्ड्स में, पूल्स में, राइस फील्ड्स में देखने को मिलता है, ठीक है। दो सबसे कॉमन स्पीशीज जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जिसको कह सकते हैं, दैट दे आर पैरामीशियम कोडेटम एंड पैरामीशियम ओरेलिया, ये सबसे कॉमन स्पीशीज हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बॉडी में सबसे पहले जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम रिप्रेजेंट्स माउथ, उसके बाद ये साइटोपाइज पे एंड होता है, विच रिप्रेजेंट्स एनस, है ना। तो साइटोप्लाज्म है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। आउटर कवरिंग वही पेलिकल की बनी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो जो फीडिंग अपरेटस है ये इंपॉर्टेंट होता है पैरामीशियम के केस में, फीडिंग अपरेटस इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एक टेम्पररी सॉरी एक टेम्पररी ओपनिंग होती है, सबसे पहले पेरिस्टोम हो गया जिसको ओरल ग्रूव कहा जाता है, उसके बाद फनल लाइक वेस्टिब्यूल हो जाएगा, ठीक है, एंड एस शेप्ड बक्कल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी ही जाके ओपन होती है साइटोस्टोम में जो माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे जाके छोटे से साइटोफेरेंक्स में ओपन हो जाएगा जो कि एंडोप्लाज्म में जाके खत्म हो जाता है। और जो एक टेम्पररी ओपनिंग है साइटोपाइज वो एनस को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो यहां से निकल जाएगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर ये क्या कहलाती है, फीडिंग अपरेटस, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब किलर पैरामीशियम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर किलर पैरामीशियम। देखिए दो टाइप के पैरामीशियम बच्चों देखने को मिलते हैं, एक को कहते हैं हम किलर पैरामीशियम, दूसरा होता है सेंसिटिव पैरामीशियम, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स कापा पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, कापा पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएंगे, किलर। कापा पार्टिकल्स एब्सेंट हैं तो क्या कहलाएंगे, सेंसिटिव। क्योंकि जो कापा पार्टिकल है एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं पैरामिसिन। ये पैरामिसिन क्या करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज जो पैरामीशियम की हैं वो पैरामीशियम केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन होता है जो कि सेंसिटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो किलर पैरामीशियम है वहां पे डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा और वहां पे हंड्रेड्स ऑफ दिस कैपा पार्टिकल्स प्रेजेंट जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज के थ्रू हार्मफुल टॉक्सिन पैरामिसिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि इसको सेंसिटिव बना देता है। ये सॉरी जो जो इसको इम्पोर्टेंट बना देता है, ये किल कर देता है सेंसिटिव पैरामिशन को, जैसे वो उसके आसपास आएंगे उनको किल कर देता है, ठीक है बच्चों। सिस्ट फॉर्मेशन पैरामीशियम में देखने को मिलती है। तो देख जनरल स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉर्मली
पैरामीशियम में देखने को मिलती है। तो क्या क्या इंपोर्टेंट है बताइए एक बार, पैरामीशियम में सब शेप की बात कर ली, स्लीपर एनामिक्यूल कहते हैं, पेलिकल प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फीडिंग अपरेटस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, डाइमॉर्फिज्म होता है न्यूक्लियस का, माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मैक्रो न्यूक्लियस सोमेटिक फंक्शन वर्कआउट करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जिसमें रेडियन कैनाल की हेल्प से वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, उसके अलावा फूड वैक्यूल जो होते हैं वो साइक्लोसिस की हेल्प से फूड इनगल्फिंग में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। बींग यूकैरियोटिक इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के पैरामीशिया, किलर एंड सेंसिटिव किलर पैरामीशिया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की बॉडी की हेल्प से टॉक्सिन पैरामीसिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंसिटिव पैरामीशियम को किल कर देता है जब उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, एंड सिस्ट फॉर्मेशन नॉर्मली फॉर्म। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंजुगेशन के थ्रू ऑब्जर्व किया गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर बच्चों मेरे? अच्छी बात है। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या है? स्पोरोजोन्स, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट या विदाउट सेलुलर, सॉरी विदाउट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो ये तो सीधा सीधा एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया, एंडोपैरासाइट के कैंडिडेट्स हो गए ये तो, ठीक है ना? ऐसे एंडोपैरासाइट जो कि पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, ठीक है बच्चों? तो वही पेलिकल प्रेजेंट होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे किसके थ्रू होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है बच्चों मल्टीपल फिशन, पेलिकल प्रेजेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? मल्टीपल फिशन के थ्रू, ठीक है? मल्टीपल फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, क्योंकि पैरासाइट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहां पे नहीं होते हैं। अभी तक हमें इस ग्रुप में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिले थे, लेकिन स्पोरोजोन्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगेमी फॉलोड बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं? स्पोरोजोन्स। सिंगेमी के बाद स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको स्पोरोजोआ, स्पोरोजोन कहा जाता है। अब लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब दोनों फेजेस अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मोनोजेनेटिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कह देते हैं? मोनोजेनेटिक। लेकिन दोनों फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में ये फेजेस कंप्लीट होते हैं, कि मान लो एसेक्सुअल फेज एक में, सेक्सुअल फेज दूसरे में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म। और डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और फीमेल एनाफिलीज में भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये हो गया ना डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म, है ना? तो ये बेटा ब्रॉडर लाइन क्लासिफिकेशन थी, डिजीजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होती है, जिस तरह से वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है हमारे लिए, उसकी बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजो, दो ग्रुप्स में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में उसका अगर नुकसान है तो फायदा भी होगा, फायदा है तो नुकसान भी होगा। तो अच्छी बातें पहले करनी चाहिए ना, तो बेनिफिशियल प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं, कि जो इंसेक्ट के लार्वा होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, फिशेज होती हैं, क्रैब्स होते हैं, उनके लिए फूड का काम करते हैं और उनको फिर हम खा जाते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे फूड हो गया। कुछ प्रोटोजोआ हार्मफुल इंसेक्ट की स्पीशीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज में रहते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, तो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनकी बॉडी में रहते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। सैनिटेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, तो जो वाटर बॉडीज है उनको क्लीन करने का काम कर देते हैं, उसके सैनिटेशन में हेल्प कर देते हैं, नेचुरल सैनिटाइजर्स होते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन, पेट्रोल ऑर्गेनिक ओरिजन है उसका,
तो जो फोरमेनिफेरेंस थे, रेडियोलेरियंस हैं, जिनको हम डिस्कस किया किया था हमने डिटेल में, तो जिनपे सिलिका या कैल्शियम का एक्सोस्केलेटन बना होता है, वो ऑयल डिपोजिट के साथ मिलते हैं। तो अगर हमें ऑयल को लोकेट करना है कि भाई कहाँ पे तेल मिल सकता है, अगर कहीं पे रेडियोलेरियंस है, कहीं पे फोरमेनिफेरेंस है, तो एक क्लियर इंडिकेटर है कि वहां पे ऑयल डिपोजिट्स हो सकते हैं। एंड लास्टली, साइंटिफिक स्टडी में इनको यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में इनको यूज किया जाता है। लेकिन हार्मफुल भी तो होते हैं ये, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको अनफिट बना देते हैं, क्योंकि फिर कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ वहां पे रिप्रोड्यूस करते हैं। जो वुडन आर्टिकल्स हैं, लाइकोनिफा जैसे जो प्रोटोजोन है, वो वुडन आर्टिकल्स को खराब कर देते हैं, सोयल फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे रिमूव कर वो सर्वाइव करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये बातें होगी बेटा हार्मफुल एक्शन की। अब इसके बाद बात करते हैं पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स, जिनको आप क्या कह सकते हैं, प्रोटोजो डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स या डिजीजेस कॉज बाय प्रोटोजोन्स, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्या कर देना है, आपका रेगुलर टाइमली अपडेटेड बोर्ड और नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस हम करवा रहे हैं, इसलिए आपको बायोनीति @बायोनीति आप अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे, आप अपने चैनल पे पहुंच जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। अलग अलग क्लासेस के लिए हमने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हैं, जो उनके लिंक्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे, किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, कि उनके स्टूडेंट्स को वो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो एक लाइक कर सकता है वो बच्चा, इस घंटे को बजा के बेल आइकन को प्रेस करके सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइमली उसको मिल सकते हैं, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि सर ने नया वीडियो अपलोड कर दिया है। और अच्छी चीजों को दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, तभी तो अवेयरनेस आती है। तो आपको पसंद आ रहा है बायोनीति, बायोनीति पे पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि यस सर, क्योंकि लाइक कमेंट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है किसी भी टीचर के लिए। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना है आपके यूट्यूब चैनल बायोनीति को। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी bionity_R पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहूंगा बच्चों, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी इज द की टू सक्सेस। आप फॉलो करते रहिए जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आई प्रोमिस यू, आप बोर्ड में, अगर आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, तो आपके NTSC, STSC, स्टेट लेवल ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट में बहुत अच्छा करेंगे, आप अपने बोर्ड्स में एक्सेल करेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, कीप स्टडिंग।